आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। दो नवंबर की शाम ढल चुकी है और मैं हूं अमन गुप्ता, आपके लिए लेकर आया हूं डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन तेज हो गया है। गुर्जर समाज के लोगों ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और विजय बैंसला की अगुवाई में प्रदर्शन शुरू किया है। हालांकि राज्य में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज समय समय पर आंदोलन करता आया है, समझौते भी होते गए हैं, इसके बाद भी वहां मुद्दा सुलझ नहीं रहा है। क्या है वजह, जानेंगे। लॉकडाउन में घर और गांव की ओर लौटे बहुत से मजदूर अब अनलॉक के बाद एक बार फिर वापस शहरों का रुख कर गए हैं। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो अभी नहीं लौट पाए हैं। बिहार में ऐसे ही कुछ लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की है और जानने की कोशिश की कि क्यों उन्हें यहां काम नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैफुल्ला को सुरक्षा बलों ने कैसे मारा, क्या रणनीति अपनाई, बताएंगे जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह। और पराली के प्रदूषण को लेकर दिल्ली पंजाब हरियाणा की सरकारों के बीच तालमेल नहीं बनता दिख रहा है, दिन ब दिन स्थिति बिगड़ रही है, इसे लेकर भी बात होगी। लेकिन पहले हेडलाइन सुनिए प्रतीक वाघमारे से। भारत बायोटेक 2021 की दूसरी तिमाही तक अपनी वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बना रही है। भारत बायोटेक ने ये जानकारी रॉयटर्स को दी है। रेगुलेटरी मंजूरी मिलते ही वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाएगा। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,231 केसेस सामने आए हैं और 496 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 5 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और 75 लाख से ज्यादा लोग इस संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं। कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में हुई हत्याओं को सही ठहराने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना का बयान आया है। मुनव्वर राना ने कहा है कि अपनी बात पर कायम रहूंगा, मुझे फ्रांस की घटना पर सच बोलने की जो सजा मिले वो मंजूर है। राजस्थान में दिवाली पर पटाखों की बिक्री और जलाने पर पाबंदी के खिलाफ बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी ने कहा है कि यह हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाने जैसा है। इस फैसले की वजह बताते हुए अशोक गहलोत सरकार ने कहा कि पटाखों से निकलने वाले जहरीले धुएं कोरोना मरीजों को परेशान कर सकते हैं। देश में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती दिख रही है। अक्टूबर महीने में GST कलेक्शन 8 महीने के बाद 1,00,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। वहीं देश में बिजली की खपत में भी तेजी आई है। अक्टूबर में बिजली की खपत पिछले साल के अक्टूबर की तुलना में 13.38% अधिक रही। देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 6.98% हो चुकी है। निजी थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से यह बात सामने आई है। सितंबर में बेरोजगारी की दर 6.67% थी। और बांग्लादेश में कुछ हिंदू घरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोमिला जिले में इस्लाम से जुड़ी कथित अपमानजनक पोस्ट को लेकर अफवाह उड़ी, जिसके बाद अल्पसंख्यकों के घरों को निशाना बनाया गया। आप दिनभर सुन रहे हैं, मेरा नाम है अमन गुप्ता। 2008 के उन दिनों को याद कीजिए जब राजस्थान की सड़कों पर आरक्षण के लिए मांग को लेकर गुर्जर समुदाय ने जमकर हंगामा किया था। हिंसा हुई थी, कई लोगों की जान भी गई थी। एक बार फिर गुर्जर समुदाय में आरक्षण की ये मांग जोर पकड़ रही है। गुर्जर समाज के लोग प्रदर्शन करने के लिए घरों से बाहर आ गए हैं। रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक कर दिया गया है, रास्ते जाम कर दिए गए हैं। हालांकि अभी हालात पहले जैसे हिंसक नहीं हुए हैं। रेलवे ट्रैक को रोकने की वजह से कई गाड़ियों के रूट बदलने पड़े, राज्य परिवहन निगम की बसों के रूट बदलने पड़े। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर गुर्जर आरक्षण का मुद्दा सुलझ क्यों नहीं पा रहा है, और ऐसा तब है जबकि राजस्थान सरकार की तरफ से कई बार फैसले किए जा चुके हैं। हाल ही में बीती 31 अक्टूबर को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और अशोक गहलोत सरकार के बीच 14 बिंदुओं पर सहमति बनी। इसमें सरकार गुर्जरों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने पर राजी हो गई है। प्रक्रिया में जो भर्ती है उनमें भी गुर्जरों को आरक्षण दिया जाएगा। आंदोलन में मारे गए 3 परिवारों को सरकारी नौकरी देने की बात कही है। इसके अलावा पिछले गुर्जर आंदोलन में जिन लोगों पर केस लगे थे उन्हें वापस लेने को कहा गया है। बावजूद इसके दिक्कत कहाँ है, पेंच कहाँ फंस रहा है, क्यों ये मुद्दा सुलझ नहीं रहा, यही पूछा हमने राजस्थान में आज तक रेडियो के संवाददाता शरद कुमार से। देखिए कुल ये मामला भरोसे का संकट का है। गुर्जर आंदोलन इतने लंबे समय से हो रहा है, हर बार इनकी बातें मांग ली जाती है फिर वो बातें पूरी नहीं होती है, इसे लेकर गुर्जरों में एक नाराजगी है।
और यह नाराजगी कहीं ना कहीं आप एक कहें तो एक वजह नहीं इसकी कही जा सकती है। जिस तरह से सचिन पायलट का पूरा एपिसोड हुआ है, खासकर कि युवा जो गुजर हैं वो नाराज हैं, उनकी नाराजगी आरक्षण के बहाने कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि एक बार जब वार्ता हो गई, वार्ता होने के बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कल के पंचायत में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत हो गई है, वो मांगे मानने के लिए तैयार हैं, आंदोलन नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद युवा जो युवा गुजर हैं वो नारे लगाते हुए पटरी पर जाकर बैठ गए। विजय बैसला उनके बेटे हैं, वहां से उनको बुलाकर लाए। फिर अशोक चांदना से बात कराई गई, अशोक चांदना के लिए घोषणा की गई कि अशोक चांदना आ रहे हैं, वो अपनी बातें कह देंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसके बाद युवक जो थे वापस फिर जाकर पटरी पर बैठ गए और इस बार हटे नहीं, तो कर्ण किरोड़ी सिंह बैसला वहां से चले गए। एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो एक गुस्सा था उस गुस्से को बुझाने की कोशिश की गई है, और उसमें कर्ण किरोड़ी सिंह बैसला के जो बेटे हैं विजय बैसला, उन्हें उम्मीद दिखी है कि पिता की जगह ले सकते हैं वो, और चुनाव से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे अपने पिता के साथ जाकर दिल्ली में अमित शाह के सामने। तो वो उनकी एक इच्छा भी रही है राजनीति में उभरने की। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो है वो मांगे मानना चाहते हैं, और लेकिन वो चाहते हैं कि जो उनके गुजर खास नेता हैं उनके जरिए मांगे मानी जाए। इसीलिए वो जो प्रतिनिधिमंडल आया था वो कांग्रेस के गुजर नेता थे, कांग्रेस में भी अशोक गहलोत के करीबी गुजर नेता थे, यादराम गुजर और हिम्मत सिंह गुजर जैसे नेता, जिनको जिनके लेकर गुजर जो युवा है वो उनके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला भरोसे का संकट का ही है। अच्छा शरद, सरकार बीते समय में कई तरह की इस समुदाय की बातें मान चुकी है, तो इस बार अब और क्या मांगे हैं इस समुदाय की? देखिए, नई मांगे तो बड़ी मांग यही है कि जो बैकलॉग है भर्तियां वो की जाए। जो 2013 से हमने जब आरक्षण लिया था गुजरों का कहना है, तो अब आरक्षण का लाभ इतने दिन बाद क्यों मिल रहा है? जो बाकी भर्तियां हैं जो रीट की हैं या फिर बाकी सर भर्तियां हैं वो 2013 से ही 5% आरक्षण का प्रावधान करके इन्हें दी जाए। अब सरकार का कहना है कि ये बैकलॉग वाली भर्तियां हम करना चाह रहे हैं और इसके आदेश भी दे दिए गए हैं, करीब 1250 पदों पर भर्तियां भी निकाल दी गई बैकलॉग वाली। कह रहे हैं धीरे धीरे हम सब कर देंगे, थोड़ा भरोसा रखो, इतनी आसानी से सरकारी नौकरियां नहीं बांटी जाती है। जैसे जैसे वैकेंसी निकलेगा बैकलॉग हम करते जाएंगे। लेकिन मैंने कहा ना जैसे कि इस बार ये मामला काफी उलझा हुआ है कि गुजर नेता तय नहीं कर पा रहे हैं कि आंदोलन कर क्यों रहे, बस आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं मान रही। क्या मान नहीं रही ये भी समझा नहीं पा रहे हैं। देवनारायण योजना की बात उन्होंने कही थी, देवनारायण योजना को लेकर सरकार ने कहा कि जो भी स्कूल खोलने हैं, विद्यालय महाविद्यालय खोलने हैं, खोले जाएंगे, उसकी घोषणा भी कर दी। खेल मैदान बनाने की घोषणा कर दी। जो गुजर आंदोलनकारी मारे गए थे उनके सरकारी नौकरी और 5 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। उसके बावजूद जो इस तरह से एक कहीं ना कहीं विवाद बना हुआ है, इसे लेकर लोगों में आश्चर्य कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बातचीत नहीं हो पा रही है। कल अशोक चांदना वहां गए और जाकर भी उनसे बातचीत नहीं हो पाई, तो कर्ण किरोड़ी सिंह बैसला और विजय बैसला उनसे मिले ही नहीं। अब संकट ये हो गया है कि बातचीत कौन करे। अब कर्ण किरोड़ी सिंह बैसला का भी बयान आया है कि हम वार्ता के लिए तैयार है, सरकार बताए किससे बात करनी है। अब कल बातचीत करने तक गए तो मिला नहीं। इस तरह की समस्याएं वहां खड़ी हो रही है। शरद, मैं राजस्थान में गुर्जर समुदाय की स्थिति को थोड़ा समझना चाहूंगा, क्या वाकई उन्हें आरक्षण की जरूरत है? देखिए, इसके इसकी पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो वहाँ गुर्जर और मीणा दो ऐसी जातियां हैं जो एक तरह की जीवन शैली है और आर्थिक और सामाजिक दोनों ही। मीणा जो है एसटी में शामिल हो गए हैं, सिविल ट्राइब का पूरा लाभ उठाते हैं। ओबीसी में गुर्जर शामिल थे, अपना लाभ उठा रहे थे, लेकिन वाजपेयी सरकार ने जाटों को ओबीसी में शामिल कर लिया। उसके बाद जो जाटों की पूरी सीट है वो ओबीसी को भर देती है कोटे को, तो गुर्जर उसमें जगह पा नहीं पाते हैं। अब जैसे कि बिहार हरियाणा में है कि ओबीसी में 1 और 2 कैटेगरी है, उस तरह अगर बांट दिया जाता तो समस्या नहीं खड़ी होती। समृद्ध ओबीसी जातियां और पिछड़ी ओबीसी जातियां, लेकिन यहाँ पर यह है कि जाट इतना ज्यादा बड़ी संख्या में है कि वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांटे, ये बंटवारा ओबीसी का कौन करे। तो बेहतर रास्ता निकाला गया कि ओबीसी के कोटे को छेड़ नहीं सकते आप, एसटी के कोटे को छेड़ नहीं सकते, तो जो सामान्य वर्ग कोटे हैं उसमें से 5% निकाल के दे दो और सामान्य वर्ग को खुश करने के लिए आर्थिक आधार पर 14% दे दो, यानी 10% दे दिया गया। तो कुल मिला के देखिए ये आधार इनका ओबीसी का तो बनता है, लेकिन ओबीसी में जिस तरह से समृद्ध जातियां आई हैं बाद में ऐड हुई हैं, उसके बाद इनको नौकरी मिलना
कम हो गया था और मीना जो है वो इनके साथ रहकर बहुत आगे निकल गए हैं। तो ये सामाजिक और आर्थिक के साथ साथ सम्मान का भी इनकी लड़ाई है जो है आरक्षण की। ये थे जयपुर से आज तक रेडियो के संवाददाता शरद कुमार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती, ये है सुबह का खबरनामा आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। लॉकडाउन लगा तो हजारों लाखों मजदूर कामगार शहरों से अपने गांव अपने घरों को लौट आए। उम्मीद थी कि लॉकडाउन जल्द खुले तो शहर जाया जाएगा, काम किया जाएगा, और हुआ भी यही। अनलॉक के साथ धीरे धीरे लोग शहरों की तरफ लौटने लगे। कमोबेश हर राज्य में यही स्थिति है। बिहार में भी ऐसे कई मजदूर और कामगार हैं जो अभी नहीं लौटे हैं पर लौटने वाले हैं। इंडिया टुडे टीवी में डिप्यूटी एडिटर आनंद पटेल से मैंने बात की। वे इन दिनों बिहार में चुनावी कवरेज के लिए ग्राउंड पर हैं। मैंने फ़ोन पर उनसे पूछा कि कौन से इलाकों में वे गए और इन लोगों से बातचीत में क्या बातें निकल कर आईं। देखिए अमन, स्थिति ये है, मैं जो दूसरे फेज का चुनाव है, जो मध्य बिहार जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे, उसकी करीब 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घूमा हूँ, बेगूसराय और आसपास के इलाकों में, उनके गांव में भी गया हूँ। और ये इंडस्ट्रियल इलाका माना जाता है, एकमात्र बिहार का शहर है जिसे इंडस्ट्रियल सिटी का दर्जा हासिल है। और यहाँ पे बहुतायत में मजदूर हैं, बहुतायत में उनके काम है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो पलायन है मजदूरों का और स्किल वर्कर्स का वो बहुत ज्यादा है। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से रिवर्स माइग्रेशन हुआ, उसमें बड़ी तादाद में हमने देखा किस तरीके से मजदूर देश के कोने कोने से पैदल चल के सैकड़ों मील दूर से वापस अपने गांव पहुंचे। लेकिन अब जबकि अनलॉक की सिचुएशन है, बहुत सारे बिजनेसेस खुल रहे हैं, इकोनॉमी वापस पटरी पे है, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो मजदूर हैं, जो एक्सपीरियंस उनका रहा लॉकडाउन के दौरान, जो दुख और दर्द उन्होंने झेला, जो यातनाएं उन्होंने झेली, जो पुलिस की लाठियां खाई उन्होंने, वो सब भूल करके ये मजदूर वापस जो अपने मुख्तलिफ इलाके हैं, जो शहर हैं जहां ये काम करते थे लॉकडाउन से पहले, वहां वापस जा रहे हैं। अच्छा, आनंद, सरकार ने तो लोगों को मनरेगा में काम देने की बात कही थी, क्या उन योजनाओं का कोई हल नहीं निकला इन लोगों को रोकने में? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने कई लोगों से ये बात की, हमने ये पूछा जाने कि भाई आखिर इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा लेकिन आप फिर भी वापस क्यों जा रहे हैं। तो इसके जो दो मुख्य वजह हैं वो ये समझ में आ रही है कि जो सरकार ने प्रॉमिस किया था इनको, चाहे वो राज्य सरकार हो जिसने ये कहा था, वायदा किया था और भरोसा दिलाया था कि जिलेवार ब्लॉक वाइज जो मजदूर हैं उनकी पहचान की जाएगी, उनकी सूचियां बनाई जाएंगी और उनको नौकरियां दी जाएंगी, उनको काम दिया जाएगा, वो जो स्कीम थी, वो जो योजना थी सरकार की, वो लगता है कागजों पे रह गई है, वो धरातल पे आ नहीं पाई, बहुत ज्यादा उसका असर हुआ नहीं। तो मजदूर कितने दिन खाली बैठेगा, इसलिए बहुत सारे जो स्किल्ड वर्कर्स थे खासकर वो वापस चले गए। जो बाकी बचे हैं मोस्टली उनमें से वो है जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जिनका अपना कोई विशेष स्किल नहीं था, जिनको मनरेगा में काम मिल सकता है या जिनको दिहाड़ी पे काम मिल सकता है। मनरेगा में भी स्थिति ये है कि सरकार ने उसका भी पैकेज बढ़ाया, उसका जो दायरा था उसको भी बढ़ाया, लेकिन मनरेगा की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसमें सिर्फ अनस्किल्ड वर्कर्स ही रहते हैं, उसमें सिर्फ सड़क में जो मजदूर बनाने सड़क बनाने में काम आते हैं मजदूर वो होता है, या फिर तालाब की खुदाई है, या फिर ऐसे ही काम होते हैं कई सारे, नालियां बनाने का काम, उसमें स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत नहीं होती, तो वो दायरा बहुत सीमित है। बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जो स्किल्ड वर्कर्स थे, उनको यहाँ काम नहीं मिला है। कई ऐसे हमने लोगों से बात की जो दिल्ली और बड़े शहरों में ड्राइवर्स हैं, पंजाब में ड्राइवर्स थे लॉकडाउन से पहले, लेकिन उन्हें यहाँ काम नहीं मिल रहा है और वो मनरेगा काम नहीं कर सकते, तो वो और कुछ काम कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या फिर पशुपालन में लगे हैं। तो ये स्थिति है जमीन पर दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो मनरेगा हो उसका दायरा बहुत सीमित है, वहां पे स्किल वर्कर्स के लिए काम नहीं है, या फिर जो नीतीश सरकार की जो स्कीम थी कि जिलेवार मजदूरों की पहचान करके उन्हें काम दिया जाएगा, वो भी धरातल पे काम नहीं कर पाई। इसकी वजह से बड़ी संख्या में जो मजदूर
लॉकडाउन से परेशान होकर वापस आया था बिहार, वो वापस अपने अपने शहरों में चला गया है। पूरी तादाद में जो मजदूर बचे हैं वो ज्यादातर अनस्किल्ड हैं, और वो भी ऐसी आशंका है कि छठ पूजा के बाद जो फेस्टिवल है बड़ा बिहार का, उसके बाद वो भी यहाँ से पलायन कर जाएगा। ये थे इंडिया टुडे टीवी में डेप्यूटी एडिटर आनंद पटेल। और अगली खबर पर बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि तीन ताल के चौथे एपिसोड में धर्म, बोलने की आज़ादी और पाकिस्तान को लेकर हमारे कमलेश ताऊ पाणनी बाबा और कुलदीप कुल्हाड़ी की बतकही है। मज़ेदार है, सुनिएगा ज़रूर। पता आप जानते ही हैं, लेकिन चलिए फिर से बता देता हूँ, aajtak.in/podcast ये हमारे वेब पन्ने का पता है। यहाँ आप जाएंगे तो आपको ये तीन ताल का एपिसोड दिख जाएगा। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। जम्मू कश्मीर में पुलिस, CRPF और सेना ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन में रविवार को हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर डॉक्टर सैफुल्ला को मार गिराया। श्रीनगर के रंगरेत इलाके में ये ऑपरेशन चलाया गया। सैफुल्ला को रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद इसी साल हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर बनाया गया था। उसके एक साथी को सेना ने जिंदा पकड़ लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक यानी DGP दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि सैफुल्ला हाल ही में मारे गए BJP के 3 कार्यकर्ताओं समेत दर्जन भर से ज़्यादा आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। उन्होंने सैफुल्ला को मारने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई गई इस बारे में भी बताया। DGP दिलबाग सिंह को सुनिए। मैं इसका लेखा जोखा देख रहा था 2014 से, अक्टूबर 14 से जो एक्टिव था, लगभग 7 साल पुराना मिलिटेंट है। बुरहान वानी के साथ काफ़ी लंबा टाइम एक्टिव रहा, और इसीलिए जब रियाज नाइकू 6 मई को मारा गया इस साल, तो उस वक्त इसी पे नज़र पड़ी जो सबसे पुराने विंटर्स का टेररिस्ट जहाँ पर है। और ये कमांड लेने से पहले भी बड़ा खूंखार आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। इसने बहुत सारे लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा। उसमें 3 पुलिस वाले हैं जिनको इसने मारा, और 2 जब ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर एब्रोगेशन के बाद हमले हुए थे तो 2 ट्रक ड्राइवर और उसका कंडक्टर जो है, 2 लोग मारे गए थे, उसमें भी इसका हाथ था। एक सरपंच पे हाल ही में कुलगाम में जब अटैक हुआ था, जो जख्मी हुआ था बच गया, उसमें भी इसी का हाथ था। और उसके अलावा अभी जो चंद रोज पहले जो हत्याएं हुई BJP वर्कर्स की, उसमें भी मजमूई तौर पे ये जो तंजीमें मिलकर के जहां पर बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रही हैं, उसके पीछे भी इसका हाथ था। 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं दहशतगर्दी के जिसमें ये शामिल था, और 0.5 दर्जन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इसने कत्ल किए अलग अलग टाइम्स के ऊपर। और 3 लोग अगर ये भी डाल लें तो ये फिगर भी 9 के करीब पहुंच जाती है जिन लोगों को इसने कत्ल किया। उसके अलावा बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचाना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, उस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयों में ये शामिल था। ये पिछले 2 दिन से लगभग इसकी ट्रैकिंग चल रही थी, ये इसकी मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे थे लोग। और इसमें मैं मुबारक देना चाहता हूँ अनंतनाग पुलिस को, जो पिछले 2 दिन से इसको ट्रैक करते करते जहाँ तक इनकी ट्रैकिंग का सिलसिला जा पहुँचा तो श्रीनगर पुलिस के साथ शेयर हुआ। श्रीनगर पुलिस ने CRP के साथ मिलकर के ऑपरेशन को प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, जिसमें बाद में आर्मी भी शामिल हुई। तो मैं समझता हूँ कि लोगों की जो जानोमाल इसने, जिसको नुकसान पहुँचाया था, जिस तरह का नुकसान इसने पूरा वैली के अंदर लोगों को पहुँचाया, और अभी नौजवान लड़कों को अपने साथ मोटिवेट करके ज्वाइन करवा रहा था, दर्जनों लड़के इसने आतंकी बनाए, उन परिवारों को जरूर एक राहत मिलेगी। ये थे जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह। दिल्ली में दिवाली के लिए सरकार ने 800 ऐसी जगहों की लिस्ट जारी की है जहां 8 बजे से 10 बजे के बीच सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसमें स्कूल कॉलेज के ग्राउंड हैं, खाली मैदान हैं। लेकिन इस सब के बीच ये भी ध्यान देने की बात है कि राजधानी में प्रदूषण लगातार बुरी हालत में पहुँचता जा रहा है। आज यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 रिकॉर्ड किया गया, जो सबसे खराब की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही रविवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली के प्रदूषण का हिस्सा
बढ़कर 40% हो गया। यानी धीरे धीरे दिल्ली की हवा में जहर घुलता जा रहा है। इसी के साथ नासा ने पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं। इन तस्वीरों में कौन कौन से इलाकों में सबसे ज्यादा गंभीर हालत है, यही पूछा हमने पराली और प्रदूषण से जुड़ी खबरों पर नजर बनाए रखने वाले आज तक रेडियो के संवाददाता कुमार कुणाल से। देखिए, नासा हर दिन का फायर मैप रिलीज करता है जो कि वर्ल्ड वाइड होता है, यानी पूरे विश्व का वो फायर मैप होता है, कहाँ पर कितनी आग लगी हुई है वो इस मैप के जरिए दर्शाया जाता है। तो जो ताजा फायर मैप है उसके हिसाब से पंजाब के कई हिस्सों में इस वक्त पराली चल रही है, और अगर आप इस मैप को देखेंगे तो सबसे बड़ा पहलू ये है कि पूरी तरह से आपको वहां पर लाल निशान नजर आएगा। लाल निशान का मतलब है कि आपको सिर्फ आज के जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो आपको ग्रह के जरिए उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी तस्वीर ली जाती है और वो तस्वीर ही लाल धब्बे के तौर पर, लाल पैच के तौर पर नजर आती है उस मैप के ऊपर। अगर हम बात करें तो लगभग पूरे पंजाब का यही हाल है और कुछ इलाके हैं जो हरियाणा के इलाके हैं वहां पर यह हाल है। पंजाब में अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो मुक्तसर, नाभा और भी जो खासतौर पर ग्रामीण इलाके हैं पंजाब के, वहां से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर फायर के इंसिडेंट यानी फायर आग के मामले सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अभी दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट की तरफ से यानी उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही थी, उधर से ही धुआं पूरा लेकर के दिल्ली की तरफ रुख कर रही थी, और इसी वजह से जब कल सफर ने एक डाटा रिलीज किया है, सफर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रदूषण पर नजर रखती है, उसके हिसाब से 40% दिल्ली के प्रदूषण का कंट्रीब्यूटर यही पराली जलने की वजह से है। यानी आमतौर पर ये कम होता है 20% से, लेकिन इस वक्त चूंकि हवाएं भी उस तरफ से आ रही है इसीलिए प्रदूषण में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है वो इन्हीं धुओं का है जो कि पराली को जलने की वजह से दिल्ली की तरफ रुक कर। अच्छा कुमार, दिल्ली में प्रदूषण रोकने की दिशा में केजरीवाल सरकार लगातार प्रयासरत है। पूसा इंस्टीट्यूट के घोल के छिड़काव कराने के अलावा रेड लाइट पर गाड़ी के इंजन ऑफ करने के लिए भी सरकार ने कहा है। कल से यहाँ पटाखे न जलाने की अपील करते हुए कैंपेन भी चलाया जाना है। आपकी ग्राउंड के हालातों पर नजर है, क्या इनका कोई असर दिख रहा है और पड़ोसी राज्य की सरकारों और केंद्र सरकारों का कैसा रुझान है इस मसले को लेकर? देखिए, परिणाम आने में अभी वक्त लगेगा और परिणाम को लेकर के बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि जिस पर ये परिणाम निर्भर करता है। सबसे बड़ा है एक तो कि क्या प्रदूषण के जो कारक हैं उसको हमने कितना कम किया। तो जो हमें मैप दिखा रहा है नासा का मैप, उससे तो ये कम से कम नहीं दिखाई पड़ता है कि कंट्रोल किया गया है पंजाब और हरियाणा में पराली जलने की घटना को। अब ये दिक्कत है, साथ ही साथ गाड़ियों की तादाद लगातार दिल्ली में बढ़ रही है, उन पर भी नियंत्रण करने का कोई बहुत ज्यादा प्रयास सफल नहीं हुआ है। तो ये अब धीरे धीरे उसका असर दिखना शुरू होगा, लेकिन अभी तक जहां तक बात है उसको लेकर के हम आशान्वित बस हो सकते हैं कि प्रयास किए जा रहे हैं, अगर प्रयासों को सफलता मिलेगी तभी हम उसको कम कर पाएंगे। तो ये अभी तक फिलहाल नजर आ रहा है, और जहां तक मामला है कि बाकी सरकारें क्या कर रही है दिल्ली सरकार के अलावा, उस स्तर पर अभी बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने ये जरूर किया है कि एक इसको लेकर के एक ऐसी बॉडी बना दी गई है जो तमाम राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगी, लेकिन वो तालमेल फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश ये सब मिल करके कोई एकीकृत पॉलिसी पर काम नहीं कर पाए। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता कुमार कुणाल। अब कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले एक ईमेल पढ़कर आपको सुना देते हैं। ये ईमेल एक बार फिर हमें भेजा है नागेंद्र त्रिपाठी ने, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। नागेंद्र लिखते हैं कि पॉडकास्ट में एमुर फाल्कन पक्षी को बचाने के बारे में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट सुरेश जी द्वारा दी गई जानकारी आश्चर्य कर देने वाली है, मन को छू लेने वाली है। उन्होंने लिखा कि बड़ा अद्भुत लगा ये जानकर कि 2012 में जिस पक्षी को लाखों की संख्या में लोग मार रहे थे, लेकिन एक साल के भीतर ही लोगों को समझाकर 2013 में एक भी पक्षी को हमारे देश में किसी ने नहीं मारा। इसके अलावा उन्हें दोतारा में सुनाई गई रामधारी सिंह दिनकर की कविता कलम आज उनकी जयबोल पर प्रस्तुति पसंद आई। उन्होंने लिखा कि संगीत के साथ पहली बार दिनकर की रचना सुनी, अब तक सिर्फ उन्हें पढ़ा था।
इसके साथ ही उन्होंने हमारे तीन ताल के तीनों एपिसोड की भी तारीफ की है। लिखते हैं कि सुनने बैठ जाओ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। उनका एक सुझाव है कि किसी साहित्यकार के बारे में और एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में भी चर्चा की जाए। तो नागेंद्र, पहले तो हमारे कार्यक्रमों को इतनी तसल्ली से सुनने के लिए और उतनी ही तसल्ली और मोहब्बत से ये ईमेल लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके सुझावों पर ज़रूर गौर करेंगे। तो हमारे जो बाकी और सुनने वाले हैं वो भी हमें ईमेल लिखिए। यकीन मानिए, आपके ईमेल पढ़कर एक ऊर्जा मिलती है। जो आप लोग ईमेल लिखते हैं उससे और बेहतर करने का जुनून जागता है। तो ईमेल ज़रूर लिखते रहिए radio@aajtak.com पर। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है अमन गुप्ता। अब इजाज़त दीजिए, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।